हेलो दोस्तों, मैं ध्रुकमण यादव आप सभी का ड्रीम इलेवन का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोगों को ड्रीम इलेवन मल्टी मैच में जो ट्रांसफर मिलता है उससे संबंधित कुछ डाउट्स हैं, चलिए उसको हम इस वीडियो में आगे क्लियर करते हैं। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रीम इलेवन ऐप को आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद जो भी राउंड चल रहा होगा आपका मल्टी मैच का, उससे आप ओपन कर लीजिएगा। आप जानना चाहते थे कि जो ट्रांसफर मिलता है उसे चेक करना कैसे है, तो पहला चीज कि जो भी अपकमिंग राउंड्स यानी जो अभी राउंड्स आने वाले हैं उसको उसमें चेक करने के लिए आप उस राउंड पे टच करके ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि एट प्लेयर ट्रांसफर्स, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यह ध्यान दीजिएगा कि इस राउंड में जैसे कि आपका यहाँ पे 3 मैच है, तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो इस राउंड का पहला मैच है उससे पहले, ठीक है, और इस मैच के चालू होने से पहले तक जितने भी आप चेंजेस करेंगे वो ट्रांसफर में काउंट नहीं होता, ठीक है। अगर जो कि इसका दूसरा मैच है नीदरलैंड और श्रीलंका के बीच में, इसमें जो चेंजेस करेंगे प्लेयर्स का वो आपके ट्रांसफर में काउंट होंगे, ठीक। और जितने आपको प्लेयर ट्रांसफर मिलते हैं उतनी ही बार प्लेयर को आप चेंज कर पाएंगे उस राउंड में सेकेंड मैच से। चलिए अगर जो राउंड चल रहा है उसमें कितने आपके ट्रांसफर बचे हैं वो जानने के लिए, तो पहले तो जो राउंड चल रहा है उसे आप ओपन कर लीजिएगा जिसमें आपने ज्वाइन किया हो। और वो चेक करने के बाद यहाँ पे ऊपर ही लिख दिया हुआ है कि 12 ट्रांसफर लेफ्ट, वो दिख जाएगा, ठीक है, जान जाएंगे कि हाँ आपके कितना ट्रांसफर बचा हुआ है। अगर यहाँ से भी नहीं देख पाते तो जो लिखा है कि मेक प्लेयर ट्रांसफर्स, इस पर आप टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ पर भी लिख दिया कि 12 ट्रांसफर्स लेफ्ट, तो जितने भी आपके ट्रांसफर बचे होंगे वो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे और इसके अकॉर्डिंग आने वाले जो अपकमिंग मैच हैं उसमें आप प्लेयर का जो भी बदलाव करना है वो आप प्लान करके बदलाव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस भी कर दीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वह भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।